नमस्ते टू एवरीवन। सो व्लॉग शुरू करने से पहले हम आपको दिखाएंगे कि शिमला में भगवान राम जी का स्वागत कैसे किया गया और ये इतना धूम धाम से मनाया जा रहा है मानो दिवाली हो, दिवाली से भी बहुत ज़्यादा बड़ा उत्सव और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये जगह देखिए। ये है शिमला का राम मंदिर। आप सबको बहुत बधाई। अभी तो आप सिर्फ मंदिर की सजावट देख रहे हो लेकिन अभी इससे अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि शिमला के माल रोड पे कैसे लोग खुशी से झूम रहे हैं। देखिए कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, क्योंकि जो आज है राम मंदिर बन गया है और आई थिंक अब तो जो हम ये आज शूट कर रहे हैं आई थिंक अब तो राम जी की मूर्ति आ गई है ना। हाँ, मूर्ति स्थापित हो गई है। मतलब आप सबको बहुत बहुत मुबारकें। 500 सालों से इसका वेट था। मतलब जितने भी भारतवासी है उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत खुशी है और हमारी तरफ से जय श्री राम। ठीक है, सो आज इतनी खुशी है और कुछ छोटे छोटे से काम हम भी करना चाहते हैं और ऐसा नहीं कि हम स्पेशल आज के दिन करें, छोटा ऐसे करते हैं बट हम ज्यादा वीडियोस नहीं बना पाते। बट हमने सोचा थोड़ा बहुत दिखाएंगे, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं दिखाना नहीं चाहिए। बट हमने जो सीखा है शायद हमने भी किसी को करते हुए कहीं देखा तो तभी उनसे सीखा। पता चला कि मतलब ये भी करना चाहिए, कितनी खुशी मिलती है वो भी। और सबसे बड़ा मेरा फेवरेट है कि मैं गौशाला जाना बहुत पसंद करती हूँ, बहुत ज्यादा। वैसे मैं हमेशा चपाती बनाती हूँ, उसमें घी लगाती हूँ और फिर मैं गुड़ डाल के देती हूँ, बट आज यदि हाँ इतना टाइम नहीं मिला सो आज हम केले और पालक ले जाएंगे और जो इनके बहुत फेवरेट है। यस, अच्छा ठीक है। सो आज की खुशी में मैं को एक भजन, मैं एक दो लाइन गाना चाहूंगी। सो प्लीज, इतना अच्छा मैं गाती नहीं हूँ बट ये हमारे राम जी के लिए है। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के पाप सारे मिट जाएंगे, राम आएंगे, राम आ गए। Do you want to sing something for everyone? मैं भी एक छोटी सी एक दो लाइन गा देता हूँ। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम,
और बहुत मजा आ रहा है। आज का दिन बहुत सुंदर है, हर दिन बहुत सुंदर है, और हम सोच रहे हैं कि अब निकलते हैं। जी कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। इसकी थोड़ी तबीयत ढीली है, बेचारा 2 दिन से बीमार है। तो फिर अब निकलते हैं हम और व्लॉग को रखेंगे कंटिन्यू। और आज आई थिंक आज ऑलमोस्ट हर घर में दीपक जलने वाले हैं, तो दिवाली वाली ही फीलिंग है। सो जी चलते हैं, चलो चलें। लेट्स गो। जय श्री राम। जय श्री राम। और बाहर भी हम दिखा देते हैं कि क्या हमने किया है। मतलब शिवम सबसे बड़ा फ्लैग लेके आए हैं। सो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये है। सो एज यू कैन सी, हमारी सोसाइटी पूरे फ्लैग्स लगे और लोगों ने ऑलमोस्ट अपने घर पे भी लगाया। हमारे वाले यहाँ तो बहुत ज्यादा लगाए हैं। और ये देख लो। जय श्री राम। जय श्री राम। देखो फ्लैग्स ही फ्लैग्स लगे ना, सो गुड। और बच्चे खेल रहे हैं। और ये हमारा माइक, भौंकने पे मत जाना, वैसे बहुत गा रहा है। तो ये है जहाँ से हम हमेशा सामान लेते हैं। और ये मालू भूख भी लग गई है। फेवरेट मलका की दाल, इसीलिए मैं ये देती हूँ सबको। ये इजी टू कुक होती है और सबसे बेस्ट होती है, मेरी फेवरेट और दुनिया की फेवरेट जो है। इसकी फेवरेट है, ये चाहती है औरों की भी वही फेवरेट रहे। आपका फेवरेट क्या है? मैं ये है कि फेवरेट तो वैसे मेरी दाल मखनी है। तो फिर दाल मखनी दे दे। आगे नहीं रुकवाते, जो जो दिखता जाता वही देते जाते है। सो मतलब अब हम जहाँ जा रहे हैं वहां से ही हम पालक उठाएंगे और केले, है ना? वहीं से उठाएंगे, वहीं से सारा कुछ लेंगे। वहीं पे देखते हैं ये जो राशन लिया है क्या मतलब अब जो हमारे को दिख जाएगा या हो जाएगा। मतलब आज इतनी जगह पे भंडारे है ना, मतलब देखो श्री राम मंदिर के नाम पे इतनी जगह भंडारे और बहुत ही ज्यादा लोग ऐसी चीजें कराते हैं ना। यहाँ पे जैसे देखो भंडारा लगा हुआ है और भंडारा देख के रहा नहीं गया तो मैंने भी एक पूरी और छोले की प्लेट ले ली। और अभी मैं पूनम को नहीं पता, पूनम के लिए भी लेके जाऊंगा। जय श्री राम। कमाल की बात है, पालक ही नहीं मिला। पालक पूरी मंडी में 13 मिली है गट्ठी। सिर्फ 13, मतलब 13 क्या होते हैं यार, दिस इज सो बैड। ऐसा क्यों, क्या सबने आज पालक खरीद लिया या फिर वो लेके नहीं आ रहे? अभी पूनम को मैंने बताया नहीं, चल अब बताता हूँ। मैं अभी अभी भंडारा खा के आ गया, मैंने कहा पहले भंडारा खाता हूँ, भूख लग गई है ना। कैसा बना था? बहुत जबरदस्त। भंडारे की 2 पूरी और साथ में छोले आलू और पनीर की सब्जी। और मैंने वो अभी कैप्चर किया है। शिव मुझे को गाय यार अभी दिखाऊंगा किस तरीके से दे उस गाय को। देखो सामने यार, वो गाय को देना है मुझे यार, बेचारी यार। हम बाहर गाय को कैसे दे सकते हैं यार? बाहर गाय को उधर से घुमा के लानी पड़ेगी। नहीं यहाँ पे आप, हम रोक नहीं सकते ना। अच्छा केले और सब्जी मंडी में सब हैरानी की बात है, केले ही नहीं मिले। सब्जी मंडी में नहीं केले होते क्यों? तो मैंने देखो बोला था ले ये इनको देंगे शिवम, ये राशन ये देखो। हमें गाड़ी कहाँ रोकनी पड़ेगी, आई थिंक उस साइड कहीं रोकेंगे और फिर पैदल चल के आएंगे। ठीक है ठीक है। आप नहीं गा सकते हो ये बेटा, नमक वाला है। ये जो भगवा रंग आप रास्ते पे देख रहे हो ना, बस यही है हम सबकी खुशी। फाइनली हमें मिल गए हैं केले। थैंक यू। जय श्री राम की मिल गए हैं।
चलो जी। और ये हमेशा उधर ही जाते हैं ना? अच्छा ये ओपन में है पूरा। मेरे कृष्ण राधा जी, पर मालों को चेक करना है, बच्चे परेशान करेंगे उसको गाड़ी में। मेरे को छोटे बच्चों के पास जाना है शिवम। हाँ नहीं, सनी भी, सनी भी। हाँ मुझे पता है आप रह गए, आप रह गए थे। इनकी बनाना, सिर्फ इनकी बनाओ, सिर्फ इनकी बनाना। रुको दे रही हूँ, रुको दे रही हूँ। छोटे बच्चों वही ऊपर निकल गए, वही ऊपर ना आ जाए। ये कहाँ निकली है जरा उसको देखना, जरा ये कहाँ आ गई है ये देखना। आराम से धोया, ओए ये निकल ही ना जाए बाहर। पालक देना, पालक इतने मत डालो, इनको उधर भी देने यार, इनको दे दिया ना, पालक भी दे दो। तू कौन बोल रहा था, तू बोल रहा था, तू बोल रहा था, ओए रुक जा, आगे जा आगे। कि चारों फ्रेंड्स लग रही है, पांच इसको भी दे दे, छह इसको, दोनों को भी दे दो, आपको भी। कौन कौन है? बस इधर वाले बच्चे रह गए, वो देखो बाहर आ गए, बाहर आ गए। मेरे को भी दे दो, ये ले तू दे। मैं अपनी गाड़ी उधर, बस बंद करो, बंद तो कर दे, पूरा हाथ खा लिया था। किसी और चीज़ सच में एक डॉग्स को भी कुछ देना, वो भी अनदर लेवल है। पर अगर वो खा ले, जय श्री राम। पीछे वो चला हुआ है, ब्रेड कुलचे चाय। हाँ तो भैया पार्टी करा दी राम जी ने, राम जी ने पार्टी करा दी। ओ भाई भी ये अलग ही दिवाली के पटाखे हो गए। शिट 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 भाई, ये तो बहुत उसकी जगह पे हो गए, पूरी लाइन में पटाखे हो रहे हैं। भाई क्या है, अभी तार की रही है, सब पटाखे होते रहे। नहीं ये क्या तार के चक्कर में हो रहा है? हाँ तार एक दूसरे से मिल रही है ना। हाँ ओ भाई, बस सो हम घर अभी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे और थक गए बिल्कुल। और अभी सोसाइटी में आज कीर्तन हो रहा है, तो अब शिवम और मैं कीर्तन जा रहे हैं। उसके बाद आके हम वो जलाएंगे दिए,
ठीक है, बाकी पूजा कर ली है हमने, अब हम सोसाइटी के उसमें फंक्शन में जाते हैं और आपको भी दिखाते हैं, लेट्स गो। सो आज पूरी सोसाइटी से सजी है, सबके घरों में लाइट्स चली है और क्लब हाउस है वहाँ, उसके बाहर फंक्शन हो रहा है। हाँ जी पूनम, फाइनली पूरी हलवा पूरी चले और आगे। जय श्री राम। इधर से को हम कहते हैं यहीं पर एंड, और आई होप आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब।